नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज हम बीपीएससी म्यूजिक टीचर 2.0 के लिए थोड़े से एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ये आप सैंपल पेपर की तरह भी ले सकते हैं क्योंकि ये पुराने ही क्वेश्चन पेपर से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि बीपीएससी म्यूजिक 2.0 के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, कम ही दिन है। उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, राग मालकोंस के मध्य गंधार से यदि मूर्छना की जाती है तो कौन सा राग मिलता है? तो इसका आंसर है दुर्गा। डैश ने ख्याल गायकी का आविष्कार किया तो किसने किया, ये हमें बताना है। तानसेन जी ने तो नहीं किया था, तो जो नाम मानसिंह तोमर जी ने भी नहीं किया था, इन्होंने ध्रुपद जो फॉर्म था उसको ज़्यादा फेमस किया था। तानसेन जी ने भी ध्रुपद गायन जो है उसी को फेमस किया था। तो इसका सही आंसर है हुसैन मोहम्मद शर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 थाट की आधुनिक हिंदुस्तानी थाट पद्धति को डैश ने विकसित किया। तो ये बहुत ही ईजी आंसर है इसका। इसका आंसर है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने। इन्होंने 32 थाट में से 10 थाट को फाइनल किया था। पंडित श्रीनिवास के शुद्ध गंधार की फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए, ये बहुत डिटेल में स्वर से रिलेटेड, मतलब आप स्वर पढ़ के जाएंगे उसके भी अंदर, मतलब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है वो है बी। और ये ऐसी चीज़ है जो फैक्ट से रिलेटेड है, तो इसमें कोई समझाने वाली चीज़ है ही नहीं। इसलिए आपको फैक्ट जो है वो अच्छे से पढ़ के जाने हैं, और अगर रटना भी पड़ रहा है तो शायद वो भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि वही पेपर की डिमांड है। गणितीय प्रकार से हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध मध्यम के डैश थाट हैं। पंडित पुलुस्कर ने इस साल गंधर्व महाविद्यालय स्थापित किया। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाद की वह विशेषता जो एक वाद्य को तान श्रेणी दूसरे से अलग करती है। इधर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो नाद से पूछा गया है, और वो भी विशेषता, उसकी विशेषता से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है वो है बी। प्राचीन श्रुति पद्धति में स्वरों को उनकी निजी श्रुति के डैश स्थान पर रखा जाता था। अब इधर प्राचीन उसकी बात हो रही है, तो जब भी आप श्रुति या स्वर पढ़ेंगे तो आपको प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये तीनों कैटेगरी में पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। प्राचीन समय में श्रुति की जो स्थापना होती थी वो आखिरी श्रुति पे होती थी, और वहीं आधुनिक समय में उल्टा हो गया, प्रथम पे होने लगी। ठीक है, तो आधुनिक में प्रथम पे होती थी, मतलब पहली श्रुति पे होती थी। प्राचीन और इवन मध्यकाल में भी कहाँ पे होती थी, आखिरी में होती थी। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने वल्लभ दास से निम्नलिखित वाद्य सीखा। तो इधर देखिए, उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा है, इन्होंने ये पूछा है कि इन्होंने वल्लभ दास जी से कौन सा वाद्य सीखा था। तो इसका आंसर है सितार। आपको ये चीज़ पता होगी कि भातखंडे जी जो थे वो सितार प्लेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। स्वर मेल कला निधि के लेखक हैं। अब देखिए, ये ग्रंथ से क्वेश्चन आया है, और इसका आंसर जो है वो है रामामात्य जी। उस्ताद जाकिर हुसैन डैश घराने से संबंधित है। तो इसका आंसर आपको पता होगा अगर आपने मेरा तबला घराना वाला जो वीडियो है अगर वो देखा है, तो इसका आंसर है पंजाबी। तो वो उस्ताद जाकिर हुसैन कौन से घराने से थे? पंजाब घराने से थे। हारमोनियम कौन सा वाद्य है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि वाद से पूछा गया है। तो हारमोनियम जो है वो हमारा सुषिर वाद्य है। अब देखिए, राग से क्वेश्चन आया है, इसमें लिखा है राग बसंत का संवादी स्वर है। अब ये इधर वादी नहीं पूछ रहा है, तो इधर आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, संवादी पूछा हुआ है। तो बसंत का संवादी स्वर क्या है? पंचम। और वादी स्वर क्या है? षडज। नौहर वाणी डैश घराना है, तो ये ना ख्याल से रिलेटेड है, ना कथक, ना धमार, तो ये कहाँ से रिलेटेड है? ध्रुपद से। ओके, पंचम सवारी ताल की डैश मात्राएं होती है। अभी ताल से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो
इसीलिए मैंने आपको बताया भी हुआ है कि राग और ताल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। जिसने तालों के बारे में पढ़ा है, एटलीस्ट उन्होंने ये पढ़ा है कि कितनी मात्रा है, कहाँ खाली है या क्या विभाग है, वो इसका आंसर जो है वो बहुत ईजिली दे पाएंगे। और इसका आंसर है डी, मतलब पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएँ होती हैं, 15। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि 15 मात्रा की ताल और कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद फैयाज खान का उपनाम है, मतलब इसमें उस्ताद फैयाज खान जी का पेन नेम पूछा हुआ है, तो इसका आंसर है बी, विच इज प्रेम पिया। ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है, इसका आंसर बहुत ही इजी है, और इसका आंसर है नत्थन पीरबख्श। अगर आपने मेरा ग्वालियर घराने वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इस घराने के कलाकार, विशेषताएँ और जो संस्थापक रहे हैं या फिर जो मूल गायक रहे हैं उन सब के बारे में बताया हुआ है। कथकली ये डैश का नृत्य है। अब देखिए नृत्य से भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, तो नृत्य के बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए कि कौन से प्रदेश में, कौन से स्टेट में कौन सा डांस फॉर्म जो है वो ज़्यादा फेमस है, तो ये भी आप ज़रूर पढ़ के जाइए, और इसका आंसर है केरला। ओके, अब देखिए फिर से नृत्य का क्वेश्चन आ गया है। उड़ीसी नृत्य में ताल वाद्य होता है, इसका आंसर जो है वो है पखावज। ओके, इसमें पूछा है, शारंग देव ने लिखा है ग्रंथ का एक और क्वेश्चन जो है वो आ गया है, और इसका आंसर है संगीत रत्नाकर। कर्नाटक संगीत में डैश मेल शुद्ध मेल होता है, मतलब इसमें ये पूछा है कि कर्नाटक संगीत में शुद्ध थाट कौन सा होता है। हिंदुस्तानी संगीत में तो वो थाट कौन सा है, बिलावल है, पर लेकिन कर्नाटक संगीत में वो कौन सा है, कंगी है, तो इसका आंसर जो है वो है टी। इसमें क्वेश्चन पूछा है, डैश ने माय म्यूजिक माय लाइफ किताब, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है, इसका आंसर क्या है, पंडित रवि शंकर जी ने ये बुक लिखी है। डैश ये प्राचीन अनिबद्ध गान का भाग है, तो इसका आंसर क्या है, रूपक अलाप। ओके, प्राचीन प्रबंध का तीसरा भाग था, मतलब इसमें क्या पूछा हुआ है, प्रबंध का भाग पूछा है। ठीक है, भाग से आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर जो है प्रबंध के धातु की बात हो रही है, तो प्राचीन प्रबंध का तीसरा भाग कौन सा है, ध्रुव है, ये आपको पता होना चाहिए। और पहला कौन सा होता है, उद्ग्रह, दूसरा होता है मेलपाक, तीसरा होता है ध्रुव, और चौथा होता है अभोग। तो देखिए आपको सिर्फ धातु के नाम याद होने, यही मतलब सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, आपको सीक्वेंस जो है वो भी याद होना ज़रूरी है, आपको सीक्वेंस याद होना भी ज़रूरी है। प्रबंध से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में थ्योरी के बारे में PDFs शेयर करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार सितार नहीं बजाता है। तो देखिए विलायत खान जी बजाते हैं, रविशंकर जी भी बजाते हैं, निखिल बैनर्जी भी बजाते हैं, तो बी जो है वो राइट आंसर है, सुल्तान खान का सितार वाद्य से कोई लेना देना नहीं है। पंडित किशन महाराज कौन से घराने से संबंधित है, तो इसका आंसर है बनारस। यहाँ पंडित नहीं, यहाँ पे विदुषी होना चाहिए था। किशोरी अमोनकर को 2002 में डैश पुरस्कार दिया गया, इसका आंसर जो है वो है पद्म विभूषण। गोट टू वाद्यम को यह भी कहते हैं, इसको कहते हैं चित्रवीणा। ओके, पक्की होरी को डैश ताल में गाया जाता है, तो इधर जो है वो हमारे म्यूजिकल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है, और वो म्यूजिकल फॉर्म कौन सा है, होरी, इसका आंसर जो है वो है धमार। ओके, डैश ने टप्पा गायकी का आविष्कार किया, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है गुलाम नबी शौरी जी ने। सितार एकल वादन में बजाई गई विलंबित बंदिश है, तो इसका आंसर है मसीद खानी गत। उस्ताद अलाउद्दीन खान ने डैश घराना स्थापित किया, तो इसका आंसर जो है वो है मेहर। श्रेष्ठ कर्नाटकी वायलन संगीतज्ञ जिन्होंने सात तारों की वायलन की रचना की और उसका विकास किया, तो इसका आंसर है डी। ओके, इनका नाम थोड़ा प्रोनाउंस करना मुश्किल है, तो आप इधर पढ़ सकते हैं। ओके, पंडित वेंकटमुखी पद्धति के अनुसार कर्नाटकी संगीत में डैश मेलकर्थ राग है, तो इसमें जैसे हमारे हिंदुस्तानी में 32 से 10 हुए,
डैश को समूह से प्रसादित कर सकते हैं? इसका आंसर जो है वो है तान। प्राचीन वादी स्वर को कहते हैं, तो इसका अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है राग के लक्षण या जाति लक्षण से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर है अच। मेहंदी हसन प्रसिद्ध गायक हैं, तो मतलब वो कौन से म्यूजिकल फॉर्म के प्रसिद्ध गायक हैं, तो इसका आंसर है गज़ल। ने राग तरंगनी के लेखक थे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा फिर से ग्रंथ से आया है, इसका आंसर जो है वो है बी। कौन लेखक थे इनके? लोचन जी इनके लेखक थे, क्योंकि भरत ने तो नाट्य शास्त्र लिखा था, ठीक है, नारद जी ने नारदीय शिक्षा या संगीत मकरंद लिखा था ऐसा बोला जाता है, और अहोबल जी ने संगीत परिजात लिखा था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि किसने कौन सा ग्रंथ लिखा और किस ग्रंथ में कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, या उसमें कितना संगीत के बारे में बताया हुआ है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें दो मात्रा नहीं एक मात्रा के लिए पूछा हुआ है, तो इसमें पूछा है कि पलुस्कर स्वर लिपि में एक मात्रा दिखाने के लिए डैश का संकेत का उपयोग करते हैं, इस साइन का प्रयोग करते हैं, एक मात्रा दिखाने के लिए ये साइन लगाया जाता है, तो ये आप थोड़ा सा क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। डैश यह परमेल प्रवेशक राग है। अगर आपने मेरा राग वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मुल्तानी जो है वो परमेल प्रवेशक राग है। डैश ने बांसुरी को शास्त्रीय संगीत में प्रस्तुत किया, तो इसका श्रेय किसको जाता है? पन्नालाल घोष जी को। गौड सारंग का थाट है कल्याण। आपने मेरा राग वाला वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए। प्राचीन प्रबंध में डैश भाग होते थे, तो इसका आंसर है 4। ओके, भाग मतलब धातु, प्रबंध के धातु के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए प्रबंध के धातु कितने थे? 4, और प्रबंध के अंग कितने थे? 6। आधुनिक श्रुति पद्धति के अनुसार शुद्ध मध्यम में डैश श्रुति होती है। देखिए फिर से श्रुति से क्वेश्चन पूछा है, वो भी आधुनिक श्रुति से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें मध्यम की श्रुतियाँ पूछी गई हैं कि शुद्ध मध्यम में कितनी श्रुतियाँ थी, तो इसका आंसर है 4। ओके, जिस बंदिश में गीत तबला बोल और सरगम है वह है। अब देखिए फिर से ये हमारा जो म्यूजिकल फॉर्म है, जो विभिन्न गायन शैलियां हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रखा है, चतुरंग। ओके, अडाना यह डैश राग है, तो अडाना जो है वो उत्तरांग प्रधान राग है, तो इसमें यही पूछा है। उत्तरांग प्रधान का मतलब होता है जो बहुत ऊँचा होता है, और पूर्वांग का मतलब होता है जो मध्य या मंदिर में गाया जाता है, तो अडाना राग जो है वो उत्तरांग प्रधान राग है, वहीं दरबारी जो इसका संप्रकृतिक राग है वो पूर्वांग प्रधान राग है, तो इसका आंसर है बी। ताल तीव्रा की डैश मात्राएं होती हैं, ताल तीव्रा में कितनी मात्राएं होती हैं? 7। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कहाँ से आ गया? ताल से। क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन लेखकों के अनुसार 22 श्रुतियों में रे का स्थान क्या था? तो इधर प्राचीन लेखकों की बात हुई है, तो इसका आंसर जो है वो होगा वो है 5। पंडित श्रीनिवास के अनुसार तार सप्तक सा डैश इंच पर रखा जाता है, 18। ओके, आधुनिक लेखकों के अनुसार प्राचीन शुद्ध सप्तक स्वर आधुनिक डैश थाट के समान है। या इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पुराने टाइम का जो शुद्ध सप्तक था, पुराने टाइम का जो शुद्ध सप्तक था वो आज के टाइम का कौन सा थाट है? तो इसका आंसर है काफी। आपको शुद्ध से कंफ्यूज नहीं होना है बिलावल, क्योंकि इधर प्राचीन पूछा हुआ है और वो भी आज के टाइम से, तो प्राचीन अलग था और आधुनिक में अलग है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जाति गायन में एक मूर्छना का आरंभिक स्वर क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या है? ग्रह। ओके, षडज ग्राम में श्रुतियों का क्रम क्या है? तो इसका आंसर है 4-3-2, 4-4-3-2, सी इज दी राइट आंसर। षडज ग्राम में शुद्ध स्वरों हेतु मूर्छना की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 7। कर्नाटक, अब देखिए मूर्छना से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मूर्छना से भी पूछा हुआ है और ग्राम से भी कहीं ना कहीं रिलेट करके पूछा है, तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई कीजिए, रिलेट करके हर चीज़ों को पढ़िए। कर्नाटक संगीत का शुद्ध सप्तक हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में डैश राग कहलाता है। तो इधर कर्नाटक और हिंदुस्तानी का एक तरीके से कंपैरिजन करके जो कॉमन चीज़ें हैं वो पूछी गई हैं, तो इसका आंसर क्या है? ए, बिलावल। ठीक है,
कर्नाटक संगीत का शुद्ध सप्तक हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में क्या कहलाता है? बिलावल राग कहलाता है। पंच जाति भेद के अनुसार मिश्र जाति में लघु में डैश मात्राएं होंगी, तो इसका आंसर क्या है? 7। मध्य लय में यदि 16 शब्द 16 सेकंड में गाए जाते हैं, तो यदि वही 16 शब्द 4 सेकंड में गाए जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये ऑब्वियसली चौगुन कहलाएगा। एक सप्तक में विकृत स्वर की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 5। यदि एक समय बार में 4 लय लिखी हुई है तो इसे स्टाफ सरगम प्रणाली के अनुसार क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर क्या है? सी। ये जो है हमारा वेस्टर्न म्यूजिक का जो नोटेशन सिस्टम है उससे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर से वही क्वेश्चन है, स्टाफ सरगम प्रणाली में ये कौन सी मात्रा दर्शाता है? तो ये जो है वो 1/8 मात्रा दर्शाता है। स्टाफ सरगम के अनुसार यदि हम सा से पहले डबल फ्लैट लगाते हैं तो बजाए जाने वाला स्वर क्या हो जाएगा? तो कोमल नी हो जाएगा, क्योंकि फ्लैट जो है वो वेस्टर्न में जो फ्लैट होता है ना वो एक तरीके से कोमल का साइन है, ठीक है, और जो शार्प होता है वो किसका साइन है? शुद्ध का साइन है। तो इधर फ्लैट पूछा हुआ है, ठीक है, तो फ्लैट तो एक तो आपको पता लग गया कोमल है, अब इधर ये भी पूछा है कि सा से पहले, तो सा से पहले तो नहीं होता है, तो इसका आंसर यही होगा। अगर स्वर को अपनी मूल स्थिति से या तो उच्च या तो निम्न मतलब नीचे स्थानांतरित किया गया है तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है विकृत। किराना घर के प्रणेता डैश माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? अब्दुल करीम खान। अगर आपने मेरा किराना घराने वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए, उसमें मैंने ये बहुत डिटेल में समझाया है। पंडित श्रीनिवास के अनुसार वीणा के तार पर पा डैश इंच पर रखा जाता था, कौन से इंच पे? 24 इंच पे। यदि एक प्रस्तोता राग भीम पलासी और धानी की प्रस्तुति दे रहा है और फिर वह एक भिन्न थाट से राग मुल्तानी पर चला जाता है तो राग मुल्तानी क्या कहलाएगा? तो राग मुल्तानी क्या कहलाएगा? परमेल प्रवेशक राग कहलाएगा। कर्नाटक संगीत में रागम तानम पल्लवी हिंदुस्तानी संगीत में क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है ध्रुपद। कर्नाटक संगीत में पलूत का चिन्ह क्या है? तो इसका चिन्ह है दिस वन। ओके, ये तान के बारे में पूछा है, तो पध नि सा ग म प ध ध प म प ग म रे सा, इसमें पूछा है हमें तान का जो पैटर्न है हमें वो पहचानना है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये कहीं ना कहीं मिश्र तान है, आरोहत्मक जा रहा है, ठीक है, फिर ग म प ध ध है, फिर देखिए प म प ग म प, अब अगर यहाँ से देखेंगे म प ग म रे सा तो ये वक्र भी हो जाएगा, तो ये एक तरीके से मिश्र तान है, ठीक है। जयपुर घराने की नींव जो थी वो किसने रखी थी? तो इसका आंसर है मनरंग। मनरंग तो पेन नेम है, वैसे पूरा नाम है मनरंग भूपत खान, ठीक है। नाना पानसे की मृत्यु डैश नगर में 19वीं सदी में हुई, तो इसमें देखिए फिर से जीवनी से क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसका आंसर है इंदौर में हुई। अब राग से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, म ग म ध नी ध म ग सा, तो ये आप बहुत आराम से बता सकते हैं ये मालकौंस राग है, क्योंकि इसमें देखिए पा कहीं भी नहीं है, ठीक है। राग जौनपुरी के वादी और संवादी डैश और डैश हैं, ध और ग। ताल एक ताल में ताली और खाली की कुल संख्या कितनी है? तो ये बहुत ही इजी है, ताली कितनी बार आती है? 4 बार आती है और खाली 2 बार आती है, ठीक है, तो इसका आंसर है सी। धा धा धिन ता किट तक त्रिट कत गति गन, तो ये कौन सी ताल है? ये है हमारी सूल ताल, जो कि कहीं ना कहीं 4 ताल से मिल रही है, पर ये इसमें 10 मात्रा है, तो ये कौन सी है? सूल ताल। डैश एक सरगम परंपरा है, तो पश्चिम संगीत सरगम में उन लयों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो प्रत्येक समय माप में है और जिसके स्वरमान को एक लय दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टाइम सिग्नेचर। ओके, राग मारू बिहाग कौन से थाट का राग है? कल्याण थाट का राग है। राग मधुवंती की जाति क्या है? ऑर्डर संपूर्ण, क्योंकि राग मधुवंती के आरों में रे और धा नहीं लगता है। ओके, रेमा रेसा नी नी प म प नी ध नी सा म रे प नी ध नी सा, कौन सा राग है हमें ये पहचानना है, और ये है मियां मल्हार, देखिए, ठीक है। मेघमल्हार में पहली बात तो मेघमल्हार के अंदर जो है वो ध तो लगता ही नहीं है, तो मेघमल्हार नहीं है।
ठीक है, गौड़ मलार भी नहीं है, तो इसका आंसर है मिया मलार। आरोही अवरोह में पंचम स्वर को छोड़, धारी वादी संवादी, अच्छा हमें ये पहचानना है कि ये कौन सा राग है, गुजरी तोड़ी, ओके। राग पूरी धनाश्री का गायन समय क्या है, और इसका आंसर जो है वो है इनका चतुर्थ प्रहर। अब ये हमें पूछा है थाट हमें पहचानना है, तो देखिए इसमें माँ जो है वो तीव्र है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, कल्याण, ठीक है। कर्नाटक संगीत में नीचे दिए गए बोल किस जाति से आते हैं, तक धिन तक तकिट, अब इसका आंसर है हमारा डी। फिर से इसमें राग पहचानने को बोला है, देखिए इसमें परे संवादी अगर पूछा गया है तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए का मूत। रेगा रेसा नी ध प रे, ये कौन सा राग है, ये बहुत इजी है, इसका आंसर है जयजयवंती, और जयजयवंती से बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाते हैं। अब इसमें हमें भिन्न जो है मतलब जो अलग है हमें वो छाटना है, तो देखिए यही है वितत्तवाद्य, तो हम ये चूज करेंगे, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर कीजिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशन महाराज तबले के डैश घराने से आते हैं, कौन से घराने से आते हैं, बनारस से। उस्ताद अल्लाह रखा खान जी कौन से घराने से हैं, पंजाब से। कड़न तान यह बोल है, अच्छा कहीं ना कहीं तबले से रिलेटेड है, इसका आंसर जो है वो ये दाहिने हाथ के बोल है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी का ये पूरा मिसप्रिंट हो रखा है, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, इसका आंसर जो है वो है दाहिने हाथ के बोल, और दाहिने को हम राइट बोलते हैं ना कि लेफ्ट, ओके। पखावज को तान देते समय गीला मांद स्वर पिच को डैश हेतु हटा दिया जाता है, पढ़ाने के लिए जो है वो हटाया जाता है, ठीक है। इनमें से कौन से ताल के 10 प्राण में उल्लिखित ग्रहों में से एक नहीं है, ओके, तो ये बहुत ईजी है, जो सबसे अलग ही चमक रहा है ये, तो ये नहीं है, ओके। ये सब तो ग्रह के ग्रह में इसका उल्लेख है, पर इसका नहीं है। सितार के तार मिजराब का प्रयोग करके तोड़े जाते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये प्रक्रिया जो है जर्ब कहलाती है, ठीक है। इन चारों में से कौन सा तबला बजाने में 10 बोलों में से एक नहीं है, अच्छा तो इसका आंसर है ड, ठीक है। सितार बजाते समय यदि दो स्वर एक दूसरे के बाद बजाए जा रहे हैं, जहां पहला स्वर मिजराब का प्रयोग करके और दूसरा उंगलियों का प्रयोग करके बजाया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे जमजमा, ओके। गत जिसमें सितार के बोल विलंबित लय में है, उसे क्या बोलेंगे, इधर विलंबित लय की बात हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम मसीद खानी गत, ठीक है। और वहीं द्रुत को क्या बोलेंगे, रजा खानी। बैक का जन्म डैश में हुआ, तो इधर बैक का मतलब है BACH, जो हमारे एक वेस्टर्न म्यूजिशियन रहे हैं, इधर उनके बारे में बात हो रही है, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, 21 मार्च 1685। ओपेरा द म्यूजिक फ्लूट किसने, मतलब ये कॉम्पोजिशन किसने दी थी, ये कॉम्पोजिशन दी थी मोजार्ट ने, तो आपको इनका और इनका और इनका और इनका, ये जो वेस्टर्न म्यूजिशियन रहे हैं, इन सब का जीवनी पता होना चाहिए, ठीक है, और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पता होना चाहिए। डैश जर्मनी में जन्मे, तो इनमें से कौन थे जो जर्मनी में जन्मे, वो थे बेथोवेन। फिर से देखिए वेस्टर्न म्यूजिशियन से क्वेश्चन है, इनकी मृत्यु कब हुई है, इनकी मृत्यु हुई है 26 मार्च 1827। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि ऐसे और हम बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले दिनों में सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू।